के मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और जो है सामने पंडाल में बैठे हुए सभी सम्मानित बने नौजवान साथी की जो है आज इंडिया गठबंधन में सरकार बनने पर राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि सबसे पहले जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम जो है पूरे भारत वर्ष में जो ओबीसी के लोग हैं उनका जो है हम भागीदारी को जो है सुनिश्चित करेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि भाई सबका हक का अधिकार होता है और इन्हीं जल्द बातों के साथ जहाँ एक बात और जो है आदरणीय कृष्ण सिंह को भी बताना चाहेंगे कि जब आपके पिताजी जब जो है गौरी बाजार से भाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय भी सीताराम प्रधान को अवसर मिला था मदद करने का और उस समय जब भी जो है आपके पिताजी को जिताने का काम किया गया था। और जब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं और आपसे साथी है सबसे हम आग्रह करेंगे अनुरोध करेंगे कि हर व्यक्ति के घर घर में जा करके सारे लोग जो है सबसे जो है जनता से मिल करके और एक जो कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसको आप पहले पढ़िए और आप जनता को उसके संदर्भ में बताइए। निश्चित तौर पर जो है बहुत बड़ी बहुत बड़ा मतों के साथ जो है आदरणीय कृष्ण सिंह का जो है जीत होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इन्हीं जन बातों के साथ जो है हम जो है एक नारा के साथ जो है अब आपसे आग्रह करेंगे, ये एक बार जो है नारा दे दीजिए, नारा बोलिए कि इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, संविधान बचाओ भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। साथियों राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों इन्हीं जन बातों के साथ जो है हम जो है अपनी बारी पर विराम लगाते हैं। जय हिंद जय भारत। चोरी भी कर रहे हैं, अगर 50,000 चोरावा थी तो पता न पा रहे इतना वोट दे दीजिए। साथियों मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाया नहीं गया, उखाड़ फेंका नहीं गया तो यह संविधान को हमारे बदल देंगे। हमारे नेता मुलायम सिंह के दिए हुए आरक्षण को ये खत्म कर देंगे, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को ये खत्म कर देंगे। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबू प्रीति सिंह को साइकिल बटन पर वोट दे करके भारी बहुमत से जिता दीजिए। यही अपील करते हुए मैं इतना कहने जा रहा हूँ, इस लोकसभा चुनाव में हमारा अनुसूचित समाज धोबी समाज पासी उठाव को मिलकर कम से कम आपके साथ मिलकर के 2,00,000 वोट देने जा रहा है, 2,00,000 वोट देने जा रहा है और देगा। हम लगे हुए हैं धोबी समाज पासी को जगा करके आपके साथ जोड़ने के लिए। इसी चंद बातों के साथ आप सभी का साथ बात नमन नमस्कार करते हुए जय नारायण जय अपने बारी पर विराम देता हूँ। जय श्री राम। इन्हें डॉक्टर पुष्पराम सिंह पटेल जी को आमंत्रित करते हैं, डॉक्टर पुष्पराम सिंह पटेल जी को आमंत्रित करते हैं। ये आप मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, समय में नहीं बात सकता लेकिन अब सभी वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, डॉक्टर पुष्पराम सिंह पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। 65 लोकसभा कुशीनगर में इस नामांकन सभा की अध्यक्षता कर रहे हम सबों के नेता, लोकप्रिय नेता, किसान नेता माननीय राजीव श्याम सिंह जी और यहाँ के मुख्य अतिथि माननीय जिलाध्यक्ष माननीय शत्रुल्लाह अंसारी जी और यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ठगने का काम किया है।
हम लोगों को छलने का काम किया है। विकास के नाम पे हम लोगों ने जितना धोखा खाया है, आज तक की सरकार जो पिछली सरकार थी इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये बार बार बात करते हैं कि 70 साल में पिछली जो सरकार थी उन्होंने क्या किया। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय अंग्रेजों ने हमें क्या दिया था, और आज देखिए जब 2014 में हमारी सरकार, जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी उससे पहले इंडिया का एक क्या था, यहाँ पे कितने आईटी कॉलेज मेडिकल और जो हम लोगों का जो आर्थिक स्तर बढ़ा था इसका कोई सामना नहीं कर सकता है। ये जो माननीय मोदी जी हैं जो ये देश की विकास की बात करते हैं, जब ये 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तो जो देश की विकास की जो एक सीमा, एक जो पैमाना होता है वो डॉलर से नापा जाता है कि डॉलर में क्या है। तो जब यहाँ पे जब 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी उस समय डॉलर की कीमत थी 60 रुपए और आज डॉलर की कीमत है 83 रुपए। तो हमारे जो पैसे की कीमत है कम हो गई, इसका मतलब कि हमने कर्ज से डूब गए, हम लोग महंगाई में डूब गए। तो ये सब छलवा है। जब गैस का सिलेंडर उस समय 400 होता था आज 1200 हो गया है। उस समय स्मृति ईरानी क्या नंगा नाच करती थी सबको पता है।